करनाल में 17 जनवरी तक 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज सप्ताह के चौथे दिन एसपी करनाल सुरेंद्र सिंह भोरिया ने ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 4 में करनाल ब्लॉक के सभी स्कूलों की करीब 300 बसों का निरीक्षण किया, जिसमें जीपीएस सिस्टम, स्पीड कंट्रोलर, सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य सभी प्रकार की चेकिंग स्कूल बसों की गई, जिसमें पहले स्थान पर रही प्रताप पब्लिक स्कूल करनाल की बसें, दूसरा स्थान हासिल किया बाबा रामदास विद्यापीठ और तीसरे स्थान पर टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल की बसें रही। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा उपरोक्त तीनों श्रेणियों में शामिल होने वाली बसों के स्टाफ को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसपी ने सभी बस चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी इतनी जाने नहीं गई थी जितनी प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में जा रही हैं। उन्होंने कहा का आए दिन सड़कों पर होने वाले हादसों में जो जाने जा रही हैं उसका खामियाजा ना जाने कितने परिवारों को जीवन भर भुगतना पड़ता है। भोरिया ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य चालान करना नहीं है, अपितु इसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के बारे में देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, करनाल ब्लॉक के 32 स्कूल, करीब 300 के आसपास बसेस की इंस्पेक्शन की गई है। इसमें मुख्यतः जो नॉर्म्स हैं सेफ्टी के बसेस के अंदर, जैसे कि जो लाइसेंस है, जो ड्राइवर उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें सीसीटीवी लगा हो, इसमें जीपीएस हो और जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो बढ़िया हो, तो एक ताकि इनको थोड़ी मोटिवेशन मिले, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिनके काफ़ी अच्छा काम था उन्हें उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करके उनको प्रोत्साहन भी उनका किया गया है। ये बहुत अच्छा लगा देख के कि काफ़ी सारे बसेस में के जो ड्राइवर्स हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको इस विषय की गंभीरता के बारे में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। और ये रोड सेफ्टी वीक हमारा 11 तारीख से 17 तारीख तक चल रहा है, इसमें हम पर डे डेली कोई ना कोई एक्टिविटी रोड सेफ्टी के संबंध में, अवेयरनेस के संबंध में की जा रही है। सर, आपको नहीं लगता है कि एक हफ्ता चलाकर अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, आप पब्लिक भी भूल जाती है, प्रशासन भी कई बार भूल जाता है, समाज से भी जो है वो भी भूल जाती है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? ये जैसा मैंने पहले कहा, बहुत गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा लॉस, जो लाइफ का लॉस है या जो इंजरीज हैं इससे ज़्यादा कहीं नहीं है, तो बहुत गंभीर विषय है। और इसका सोल्यूशन जब तक हम इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, एहसास नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है, हम कोशिश करते हैं कि रोड सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहे, और इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमने कमेटी बना रखी है। तो हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेफ्टी पर काम किया जाए। सर, आगे क्या कुछ एक्टिविटीज़ रहने वाली है कंप्लीट? इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल कॉलेज में जाके अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, जो रोड यूज़र्स हैं अलग अलग कैटेगरी के उनके अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, तो डेली इसमें प्लेज हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, ऐसे अवेयरनेस के जितने भी काम हो सकते हैं वो किए जाएंगे। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।